नगर निगम चुनावों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर महापौर प्रमोद दुबे, विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की। मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं जिनको हमें लोगों तक पहुंचाना है। रायपुर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद अब सबसे चर्चा करने का वक्त है। सरकार के कार्यक्रम, हमारी योजनाएं, उसका एग्जीक्यूशन, प्रशासनिक अड़चने, आने वाले समय में और क्या कुछ किया जा सकता है, और इलेक्शन भी हमारे सामने है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी से हम अपनी पार्टी को और कैसे मजबूत बना सकें, इस सब से चर्चा करने के लिए और सुझाव लेने के लिए आज की बैठक है। महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के नेतृत्व में हम आगे काम करेंगे। रायपुर में जो विकास कार्य हुए हैं उनको डोर टू डोर पहुंचाने का काम करेंगे। राशन कार्ड से लेकर नियमितीकरण जो हजारों मकानों के हुए, उसके अलावा रायपुर शहर में जो वृहद पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ, हर परिवार को 35 किलो चावल से लेकर सामान्य लोगों के भी राशन कार्ड बनना, ये वो चीज़ें हैं जो जिनको लेकर के डोर टू डोर तक हमें जाना है। इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी संगठनात्मक जिम्मेदारी हम सबको सौंपी गई है और उसी मार्गदर्शन के आधार पर आगे हम काम करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत किरण नायक ने राजीव गांधी की याद दिलाते हुए की। राजीव गांधी जी ने जब से एक चुनाव में 73वां 74वां संविधान संशोधन किया है, उसके बाद से प्रत्यक्ष चुनाव की वजह से महापौर के चुनाव बहुत जिम्मेदारीपूर्ण हो गए हैं और पूरे भारत में कुछ ही राज्य हैं जहां पर महापौर सीधे चुने जाते हैं। अभी पिछले 2 महीने से लगातार पेपर में और समाचारों में आ रहा था कि अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाएंगे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर रोक लगा दी।